नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति लाउड हो गई है। मराठी मानुष से हिंदुत्व के ट्रैक पर आने वाले राज ठाकरे आज मेगा रैली में हुंकार भरने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने शिवाजी के गढ़ औरंगाबाद को चुना है। जिस समय राज ठाकरे मंच से भाषण दे रहे होंगे, ठीक उसी समय मुंबई में उद्धव ठाकरे मुंबई एयरपोर्ट पर शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए दिखेंगे। तो रैली के लिए बस अब से कुछ देर बाद यानी कि 4:30 बजे का समय निर्धारित किया गया है और दोनों तरफ राज ठाकरे उद्धव ठाकरे दोनों चचेरे भाई जो अब दोनों राजनीति में अलग अलग हैं, तो वहां औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली होगी तो मुंबई में शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण करते और वहां श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई देंगे उद्धव ठाकरे। दादागिरी करून याल तर दादागिरी कशी मोडायची ते तुला आम्हाला शिवसेना प्रमुखांनी हिंदुत्वाच्या व्याख्येत समजून सांगितलं आहे। महाराष्ट्र डे पर महाराष्ट्र की राजनीति और लाउड होने जा रही है। ठाकरे भाइयों में छोटे राज बड़ी सियासत की ओर कदम भर रहे हैं। इसका आगाज शिवाजी की नगरी औरंगाबाद से कर रहे हैं। ट्रेलर कल दिखा, आज पूरी पिक्चर है। महाराष्ट्र में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम देने वाले राज आज इसे लाउडस्पीकर से हुंकार भरेंगे। जर हिंदुत्व आहे, जर राष्ट्रीयत्व असेल तर मला राष्ट्रीयत्व जास्ती मानलं मान्य आहे। काय त्याच्यामध्ये चूक आहे माझी? मी धर्मांतर नाही आहे, मी धर्माभिमानी आहे। माझा कोणाच्या प्रार्थनेला विरोध नाही आहे, पण तुम्ही आम्हाला त्रास देऊ नका। राज ठाकरे ने अचानक ट्रैक चेंज किया, मराठी मानुष से कट्टर हिंदुत्व की लाइन पकड़ी। ये बदलाव यूं ही नहीं है, सोची समझी है। सामने राज है, पीछे से बीजेपी का साथ है। शिवसेना कट्टर हिंदुत्व का दामन पकड़कर सियासी ट्रैक पर दौड़ती रही, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद उसकी चाल धीमी पड़ी। अजान और हनुमान के विवाद में शिवसेना उलझी तो बीजेपी की शह पर कई आगे बढ़े। फिर चाहे वो नवनीत राणा हो या फिर नारायण राणे या कंगना रनौत, अब राज ठाकरे भी इस दरिया में कूद पड़े हैं। देश की जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें पूरी कोशिश ये हो रही है कि सबसे बड़ा हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर कौन मानने वाला है। तो उसमें कांग्रेस भी रेस में है, भाजपा है, शिवसेना है, आप पार्टी है, एनसीपी है, समाजवादी पार्टी है। सब भी दिखाना चाह रहे हैं कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी में हम सबसे आगे हैं, तो वो कंपटीशन हो रहा है उसका। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है, अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ईद के माहौल में राज ठाकरे की रैली से ओवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी अपनी पार्टी के सांसद की इफ्तार पार्टी में औरंगाबाद पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने उद्धव सरकार के साथ साथ बीजेपी को भी घेरा। मुझे लगता था कि ओबीसी सिर्फ मुसलमानों में है और एमआईएमसी मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहाँ कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओबीसी निर्माण हुए हैं, एमआईएम निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है, अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संजय रावत ऐसा है ना, संजय रावत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय रावत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है? ओ भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो। महाराष्ट्र में 26% मराठी आबादी है, जबकि 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और दूसरे हैं। राज ठाकरे अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी सिर्फ खाता ही खोल पाई, जबकि 2009 में एमएनएस को 13 सीटें मिली थी। राज ठाकरे 2024 में कुछ कमाल दिखाना चाहते हैं
और इसके लिए कट्टर हिंदुत्व के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा। राज का ये रास्ता बीजेपी को भी रास आ रहा है। बीजेपी भी चाहती है कि राज ठाकरे शिवसेना के वोट बैंक में सेंधमारी करे। अगर राज ठाकरे 5% भी वोट काट लेते हैं तो बीजेपी की महाराष्ट्र में बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिलहाल नजर बीएमसी चुनाव पर है। इसी साल 15 नगर निगमों और 27 जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। इन चुनावों को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। पंकज खेलकर के साथ पंकज उपाध्याय, औरंगाबाद आज तक। आइए हम आपको सीधे औरंगाबाद लिए चलते हैं। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, ये जो रैली बस सबसे कुछ देर बाद, अब तो ऐसा लगता है कि 15-20 मिनट बाद शुरू हो जाएगी, क्या तैयारियां हैं और राज ठाकरे की इस रैली के द्वारा क्या संदेश देने की इच्छा है? देखिए सईद, ये औरंगाबाद का जो मध्यवर्ती इलाका है जहां पर बाला साहेब ठाकरे रैली किया करते थे, लोगों को संबोधित किया करते थे, वो मराठा सांस्कृतिक मंडल का ये जो मैदान है वहाँ पर ये सभा होने जा रही है और बहुत बड़ी तैयारी मनसे ने की हुई है। और जो बताया गया है कि 3 मई का जो अल्टीमेटम है उसके पहले की ये सभा है जो कि 1 मई को हो रही है। और जो बताया गया है कि सिर्फ लाउड स्पीकर ये एक मात्र कारण नहीं है, इसके साथ साथ मनसे जो अब तक पुणे, मुंबई, नासिक में उसका दबदबा था, अब वो औरंगाबाद में भी अपना दबदबा बनाना चाहती है। और जो आरोप लग रहे हैं महाविकास आघाड़ी की ओर से, ये भाजपा की टीम बन चुकी है क्योंकि शिवसेना अब भाजपा के साथ नहीं है। और इसीलिए एक बड़ा खिलाड़ी जो कि राज ठाकरे साहब के रूप में आया हुआ है सामने, तो वो शिवसेना की वोट बैंक जो कि एक गढ़ कहा जा रहा है औरंगाबाद का, उसमें से वो निकाल सकता है। और इसीलिए उनके ऊपर ये एक तरह से इतना विश्वास रखकर ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर औरंगाबाद में इतनी बड़ी रैली का आयोजन किया हुआ है। पंकज आप बने रहिए हमारे साथ, और बात हम तो आपसे करेंगे। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता सीधे औरंगाबाद से लगातार हमारे साथ रहेंगे। महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे का युद्ध, और इस युद्ध में ओवैसी की भी एंट्री हो गई। राज ठाकरे की रैली से एक दिन पहले ओवैसी औरंगाबाद में ही थे। लगता था कि ओवैसी सिर्फ मुसलमानों में है और MIMC मुसलमानों में है, लेकिन एम का मतलब यहां कुछ और ही दिखता है। हिंदू समाज में भी कुछ ओवैसी निर्माण हुए हैं, MIM निर्माण हुए हैं, और वो महाराष्ट्र में इस प्रकार का धार्मिक विद्वेष फैलाकर बीजेपी को मदद करना चाहते हैं। मेरे बाप का नाम ओवैसी है, अब्बा का नाम ओवैसी है, अब संजय रावत ऐसा क्यों बोल रहे मेरे को नहीं मालूम। उनको नहीं बोलना चाहिए ऐसा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। संजय रावत ऐसा है ना, संजय रावत तो उस घराने से ताल्लुक है उनका, वो जिम्मेदार आदमी है। अब संजय रावत अगर अपने लीडर के घर का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे क्यों निकाल, मेरे को उससे क्या करना है? वो भाई भाई का झगड़ा है ना, तुम बिठा के मिला दो। तो राज ठाकरे की रैली से पहले शिवसेना और MNS आमने सामने हैं। यहां राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं, तो ठीक उसी समय शिवाजी जी महाराज को श्रद्धांजलि उद्धव ठाकरे मुंबई में दे रहे हैं। देखिए पक्ष तो हमेशा रिवाइव होते रहता है, नए नए मुद्दे आते रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो मुद्दा राज साहब ने लिया है वो मुद्दा पूरे देश को अपील कर रहा है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक समस्या नहीं है, एक सामाजिक समस्या है। आवाज की परेशानी या तकलीफ धर्म देख के नहीं होती है, वो हर किसी को होती है, इसीलिए इस मुद्दे को इतना प्रतिसाद पूरे देश में से मिल रहा है। तो उमर अब्दुल्ला रहे या ओवैसी साहब रहे, इनका तो मकसद ये है कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन करना, और इसीलिए इस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर कर रहे हैं। अभी तक के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा, शायद रावण के यहाँ पे कभी हुआ होगा तो, लेकिन दूसरे के घर के सामने जाके हनुमान चालीसा कहना, मस्जिद के आगे जाके हनुमान चालीसा कहना, ये सब मुझे लगता है कि पूरी राजनीति में एक धर्म का वो उपयोग इस बात के लिए कर रहे हैं कि उद्धव जी ठाकरे उनके बारे में कुछ कीचड़ उछाला जाए। इसीलिए मैंने कहा एक जगह पे तो MIM है, एक जगह पे मनसे है, तो एक जगह पे नागनाथ है, एक जगह पे सापनाथ है। लोगों को ये चुनना चाहिए कि इंसानियत का काम कौन कर रहा है, वो माननीय उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार जी और पूरे हमारे आघाड़ी के नेतागण काम कर रहे हैं।
आइए एक बार फिर से आपको औरंगाबाद लिए चलते हैं। पंकज हमारे साथ हैं। पंकज, पंकज किस तरह से अब उद्धव और राज दोनों राजनीतिक तौर पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं और किस तरह से इन दोनों के बीच ये युद्ध चल रहा है? देखिए, दोनों की जो वोट बैंक है और जो को हिंदुत्व का मुद्दा है वही राज ठाकरे इन्होंने उठाया हुआ है और उसी के चलते ये राजनीति गरमाई हुई है महाराष्ट्र में। और जो कहा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो यानी गुड़ी पाड़वा के उस दिन से ये मामला लाउड स्पीकर का शुरू हुआ, फिर हनुमान चालीसा सामने आया और हनुमान चालीसा के बाद जो भी महाराष्ट्र में हो रहा है वो सबके सामने है कि जिस प्रकार से राणा परिवार भी मुंबई पहुंच गया था और आज जो कहा जा रहा है कि जैसे कल ओवैसी जो कि एमआईएम के सांसद हैं उन्होंने भी इसके अंदर कह दिया कि हर एक व्यक्ति लगा हुआ है कि कौन हिंदुत्व का या हिंदुओं का मसीहा है या कौन सबसे ज्यादा आग है, ये मुद्दा उठाने में ऐसी इनकी होड़ लगी हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगा दिया है कि जो 19 के चुनाव में हुआ था कि शिवसेना के खिलाफ कांग्रेस एनसीपी थी और बाद में उसी को साथ में लेकर उन्होंने सरकार बना दी, तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू है। और साथ ही साथ ये जो लाउडस्पीकर का मुद्दा सामने उठाया हुआ है मनसे ने यानी राज साहब ठाकरे ने, उसके पीछे का कारण यही कहा जा रहा है कि उन्हें फिर एक बार खड़े होना है, उनके जो अलग अलग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है वो कम हो गए हैं। पुणे की ही बात करें तो पुणे महानगर पालिका में जहाँ एक टाइम पर 29 उनके कॉरपोरेटर्स हुआ करते थे वहाँ पे सिर्फ 2 रह चुके हैं। बड़े शहरी नेता भी उन्हें छोड़ गए हैं। वसंत मोरे जो उनका एक बड़ा नाम कहा जाता है, शहर अध्यक्ष था, वो भी नाराज चल रहा है। तो ऐसे में ये जो भुनाने की कोशिश हो रही है हिंदुत्व की, उसको लेकर सामने बातें जो आ रही है कि वोट बैंक वापस लेनी है और ये सबसे बड़ा कारण है या बड़ा अच्छा बहाना है भाजपा के पास कि मनसे के रास्ते से या मनसे के मार्ग से उन्हें जो औरंगाबाद में बड़ा वोट बैंक है शिवसेना का उसमें से उसे हथियाना है या उसे कैप्चर करना है, इसीलिए मनसे को आगे किया जा रहा है भले ही कोई माने या ना माने। बहुत धन्यवाद पंकज आपका, और आएंगे दोबारा आपके साथ। पंकज खेलकर हमारे संवाददाता इस रैली पर नजर बनाए हुए हैं। और अब रुख बिहार के दरभंगा का, जहां इफ्तार को लेकर यूनिवर्सिटी में युद्ध छिड़ गया। बीएचयू की तरह दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में भी छात्रों ने वीसी के विरुद्ध हल्ला बोल दिया, नारेबाजी हुई, शुद्धि यज्ञ किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। तस्वीरें दो हैं लेकिन मसला एक है। पहले बीएचयू में इफ्तार पर वार छिड़ा, अब बिहार के दरभंगा में भी संग्राम है। दरभंगा के ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी के कैंपस में नमाज और इफ्तार पार्टी पर नारेबाजी शुरू हो गई। एबीवीपी के छात्रों ने वाइस चांसलर की सद्बुद्धि के लिए यज्ञ किया, मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति दी गई। हिंदू संगठन के छात्रों ने हनुमान चालीसा का भी पाठ किया और इसे इफ्तार और नमाज का जवाब बताया। छात्रों का आरोप है कि शिक्षा के मंदिर में इफ्तार क्यों, रोजी की नमाज क्यों, धर्म का काम क्यों? जो शिक्षा जगत का जगह है, सरस्वती माता का स्थल है, इस स्थल को एक धार्मिक रूप दिया गया। जैसा कि पता चला है कि 2-3 दिन पहले यहाँ नमाज अदा किया गया और इफ्तार पार्टी रखा गया, ये सारासरी एक सोची समझी साजिश है। जब से हम लोगों की मतलब होश हुआ है, जब लोग हम लोग जानकारी हुई है, तब से आज तक इस तरीका का इस यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, व्यक्तिगत किसी के आवास पर हुआ है, किसी हॉस्टल में हुआ है, यहाँ तक कि यहाँ जब सरस्वती पूजा नहीं होता है तो ये नमाज और इफ्तारी पार्टी क्यों? एबीवीपी को बीजेपी और बजरंग दल का साथ मिला। इन संगठनों ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अगर कैंपस में नमाज और इफ्तार होगी तो सरस्वती पूजा भी मनाई जाएगी और दुर्गा पूजा भी की जाएगी, डांडिया भी होगा, कि उससे उन लोगों को आमंत्रण भी दिए कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इफ्तार पार्टी में आकर शरीक हो सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा और इस यज्ञ में आकर भी शरीक होए। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस हनुमान चालीसा पाठ और यज्ञ में नहीं आए, इससे यह साबित होता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं सांप्रदायिक चश्मे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इफ्तार ही नहीं, लाउड स्पीकर पर बिहार में संग्राम है। नीतीश के मंत्री ही आए दिन अलग अलग बयान दे रहे हैं।
नीतीश कुमार मामले को फिजूल बता रहे हैं, लेकिन बीजेपी कोटे के मंत्री आग उगलने से बाज नहीं आ रहे। रात के 12 बजे 2 बजे 4 बजे शिफ्ट ड्यूटी में काम करके जो लोग घर आवे और उनके कान के बगल में आप भोपू लगा दीजिए और उनको आप जगा दीजिए, तो बड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए और इसको धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि माइक लगा करके तुम हमारी इबादत करोगे, पूजा करोगे, तभी हम सुनेंगे। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार है, लेकिन दोनों पार्टियों में ना तो बुलडोजर पर एक राय है और ना ही लाउड स्पीकर पर। दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली। दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में बिल्डर की हत्या कर दी गई है और गंभीर बात यह भी है कि बिल्डर के घर में घुसकर उनकी हत्या की गई। हत्यारों ने घर में घुसकर बिल्डर को गोली मार दी। 77 साल के बिल्डर हैं जिनका नाम राम किशोर अग्रवाल है और इनके घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या की गई। ये भी खबर आ रही थी कि गोली भी चली है, लेकिन उनकी मौके पर मौत हो गई है। डीसीपी ऑफिस से कुछ ही दूरी पर इनका घर है जहां हत्यारे घर में घुसते हैं बेखौफ होकर और उनके घर में घुसकर चाकू मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। एक बुजुर्ग को इस तरह से दिन दहाड़े मार देते हैं और ये सब कुछ होता है दिल्ली के बेहद पॉश सिविल लाइन्स इलाके में। मैं दिल्ली के बेहद पॉश इलाके और बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके सिविल लाइन में मौजूद हूं और हमारे पीछे जो आप कोठी देख पा रहे हैं आलीशान कोठी, इसी कोठी में एक सनसनीखेज कत्ल हुआ है। पुलिस के मुताबिक राम किशोर अग्रवाल जो पेशे से एक नामी बिल्डर थे, उनकी इस कोठी में घुसकर अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। एक पड़ोसी हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर अपना नाम बताइए। अजय दुबे जी। अजय जी, इस कोठी में क्या हुआ, क्या जानकारी मिली है आपको? इसमें इस कोठी के जो मालिक हैं रामकिशोर अग्रवाल जी, उनका मर्डर हुआ है। सुबह 6:30 बजे हम लोगों को जब शोर शराबा हुआ कि भाई मार दिया करके आवाज़ें आई, तो हम अपने घर से निकले। जब इनके घर की तरफ को आए तो इनका मर्डर हो चुका था। इनको ले जाके फिर हम ट्रोमा सेंटर जब लेके गए तो वहाँ पे देखा तो गला काट, इनके यहाँ से गला काटा हुआ था, पेट के पास में चाकू एक यहाँ लगा था और पीछे 3-4 चाकू मारे हुए थे। जब वो हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर साहब ने बताया। घर में क्या कोई और मौजूद नहीं था उस वक्त? इनके घर में इनके बेटे होते हैं, इनकी बहू होती है और अग्रवाल जी रहते हैं। ये टाइम से अपना रात को खाना पीना खा के सो जाते हैं। तो जब कत्ल हुआ घर में लोग और थे? हाँ, इनके बेटे थे, इनकी बहू थी, उनका वो नीचे रहते हैं, वो लोग ऊपर, जिस तरह से बताया गया कि वो लोग ऊपर थे। क्या जानकारी मिली, क्या किसी को देखा भी पुलिस ने बदमाश ने? किसी पुलिस ने तो कुछ नहीं देखा, पर लेकिन जो यहाँ हमारा गार्ड है उसने उन लोगों को जिन्होंने मर्डर किया, जो संदिग्ध लोग थे, उनको यहाँ से एक बार भगाया था। भगा करके फिर वो अपना रिंग रोड की तरफ का गेट खोलने गया। जब गेट खोलने गया तो दोबारा आके देखता है उसमें का एक आदमी अग्रवाल जी के इस जंगले के पीछे छुपा हुआ। यहाँ से दिल्ली विधानसभा कितनी दूर है, अरविंद केजरीवाल का घर कितनी दूर? यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी का घर जो है 1.25 किलोमीटर है फ्लैग स्टाफ रोड पे, और एलजी का जो घर है यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे राजनिवास पार। ये जो बहुत बड़ी कोठी है, इस कोठी में घुसकर पूरा परिवार इसमें रह रहा था जैसा कि जो पड़ोसी उन्होंने बताया, और इसी में घुसकर जो नामी बिल्डर है दिल्ली के, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जो बदमाश थे उन्होंने चाकुओं से शरीर पर कई वार किए हैं और गला काटा गया है। जिसने पटियाला को सुलगाया वो अब परवाना पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पहले से बरजिंदर सिंह परवाना के इरादे खौफनाक रहे हैं। आरोप है कि जब भी मौका मिला उसने लोगों को भड़काया, खालिस्तानी एजेंडा चलाया। पटियाला हिंसा वैसी ही साजिश की एक कड़ी। नाम बरजिंदर सिंह परवाना, उम्र 37, निवासी राजपुरा पंजाब। ये तो सिर्फ छोटा सा परिचय है इस परवाना का, पूरा डिटेल जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसका लेटेस्ट इंट्रो जो पटियाला पुलिस ने बताया वो आपने जान ही लिया कि बरजिंदर सिंह परवाना पटियाला हिंसा का मास्टरमाइंड है। लेकिन इस परवाना पर ये पहला और आखिरी संगीन इल्जाम नहीं है।
इसके गुनाहों की लिस्ट पुलिस की क्राइम फाइल में काफी लंबी है, तो सुनते जाइए। इस पर मर्डर की कोशिशों के केस हैं, इस पर आर्म्स एक्ट में मामले दर्ज हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उल्लंघन के आरोप हैं, इसका खालिस्तान प्रेम भी छिपा नहीं है, ये आतंकी संगठन के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटा रहा है, इसे लगातार खालिस्तानी फंडिंग मिली है। पुलिस के मुताबिक बरजिंदर सिंह परवाना पटियाला हिंसा मामले का मुख्य आरोपी है और उसी ने इस हिंसा की साजिश रची थी। दरअसल पुलिस उसको इसलिए भी हिंसा का मुख्य आरोपी मान रही है क्योंकि दो दिन पहले ही उसने कुछ भड़काऊ वीडियो अपनी फेसबुक पोस्ट पर साझा किए थे। उन भड़काऊ वीडियोस में लोगों को बताया गया था कि 29 अप्रैल के दिन कुछ हिंदू संगठन खालिस्तान मुर्दाबाद नाम से एक मार्च निकालने जा रहे हैं और इसका विरोध करने के लिए पंजाब के हर कोने से सिखों को पटियाला पहुंचना चाहिए। यही कारण था कि शुक्रवार सुबह ही पंजाब के कई हिस्सों से कई हार्डलाइनर जो सिख हैं वो गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब में पहुंचना शुरू हो गए थे। वहीं पर सभी इकट्ठा हुए और उसके बाद तलवारें भाले और दूसरे हथियार लेकर काली माता मंदिर की तरफ बढ़े। पटियाला हिंसा के दिन परवाना के भागने वाला वीडियो भी वायरल है जिसमें वो बाइक पर पीछे बैठकर चेहरा ढककर फरार हो रहा है। पुलिस को यकीन है कि इसी ने हिंसा के लिए उकसाया। क्या इस हिंसा का मुख्य साजिशकर्ता बरजिंदर सिंह परवाना खालिस्तानी संगठनों से मिला हुआ है और क्या बरजिंदर सिंह परवाना 29 अप्रैल को जिस दिन खालिस्तान का स्थापना दिवस मनाया जाना था और जिस दिन गुरपटवंत सिंह पन्नू ने खालिस्तान स्थापना दिवस मनाने की कॉल दी थी और ये कहा था कि पंजाब के जिला मुख्यालयों के बाहर खालिस्तान का झंडा फहराया जाए, क्या ये साजिश उसी कॉल का एक हिस्सा थी और क्या गुरपटवंत सिंह पन्नू इन लोगों को आर्थिक मदद पहुंचा रहा है और आखिर खालिस्तानी जिनको एक बार फिर से जिंदा करने की कोशिश क्यों की जा रही है। पंजाब पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाशने में जुटी हुई है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार बरजिंदर सिंह परवाना 2007 में सिंगापुर गया था, वहाँ करीब 17 महीनों तक रहा। जब सिंगापुर से लौटा तो उसने राजपुरा में अलग दमदमी टकसाल ग्रुप बनाया जिसका वो खुद प्रमुख बन बैठा। इसने किसान आंदोलन में भी हिस्सा लिया। कई मौकों पर परवाना भड़काऊ भाषण भी दे चुका है। पुलिस टीम्स ने शंकर भारद्वाज जो कि हरीश सिंगले का एक साथी है उसको भी अरेस्ट कर लिया। तीन होर सिख रेडिकल्स जिहड़े परसों दी वायलेंस दे विच इनवॉल्व सीगे वो भी पुलिस द्वारा अरेस्ट किए जा चुके ने। एक गग्गी पंडित जिसने एक हेट स्पीच मीडिया के उपर पोस्ट की सी जिस नाल माहौल खराब होने दे अंदेशा सी उसनों भी पुलिस ने FIR दर्ज करके अरेस्ट कर लिया। टोटल 6 अक्यूज्ड हैव बीन अरेस्टेड सिंस लास्ट इवनिंग। अब परवाना का सिंगापुर दौरा भी पुलिस के रडार पर है। और आखिर उसके सिंगापुर दौरे का असल मकसद क्या था? पटियाला हिंसा में पुलिस ने 6 FIR दर्ज किए, उनमें 27 आरोपियों के नाम है लेकिन गिरफ्तारी अब तक 6 की हुई है। जल्द कुछ और गिरफ्तारी की भी उम्मीद है। मंजीत सैगल, पटियाला, आज तक।